नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भागलपुर दुमका रेल खंड अंगारी गांव जोरी नदी के समीप एक मजदूर का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात्रि मजदूर की हत्या कर शव रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया था। इसकी पहचान अंगारी गांव निवासी वकील मंडल के 40 वर्षीय पुत्र नारो मंडल के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर परिजनों ने बताया कि मृतक शनिवार को घर से निकला था और शाम तक घर वापस नहीं आया, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन शनिवार रात्रि करीब 10 बजे नारो मंडल का शव रेलवे पटरी पर मिला। साथ ही कहा कि शव देखने से लगता है कि किसी धारदार हथियार से वार कर नारो मंडल की हत्या की गई हो, जबकि गले पर भी रस्सी का निशान है। इधर इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि घटना की सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। जगदीशपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है और अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन पूर्व नारो मंडल का अपने घर में ही परिजनों से विवाद भी हुआ था। बता दें कि मृतक नारो मंडल मजदूरी कर अपने 3 बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करता था, जबकि घर में वह 7 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। हम वहाँ गाँव घर पे यहाँ पे आता था देखने के लिए, तो 8 बजे आया था, तो हमको 10:30 बजे के आसपास समय ज़्यादा हो गया, खाना नहीं खाया था, तो हम सोचे कि भैया का खबर ले लेते हैं कहाँ है। तो हम फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद हम और भैया को फ़ोन किए, वो बगीचा में था, उसको बोले कि भैया अभी तक आया नहीं है, एक बार आप जा कर के देख लीजिए। तो भैया यहाँ पे 11 बजे के आसपास आया, तो भैया का सब बरामद हुआ रेलवे पटरी के लाइन। आपको पता कैसे चला? भैया जब यहाँ आया तब पता चला कि यहाँ भैया का सब बरामद है रेलवे क्रॉस। आपको घटना क्या क्या लग रहा है, आशंका किया चीज़ लग रहा है? हमको सर ये रेलवे से कटने का शंका नहीं है। अगर रेल अगर काटता तो कहीं खरोच आता, इसका कहीं खराच नहीं है, इसका ये काट दिया है। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत होली फैमिली हेल्थ सेंटर में डॉक्टर के द्वारा 6 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की एक्सपायरी वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बच्चे के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया था, जहाँ साकचक विषहरी स्थान के पास रहने वाले विशाल सिन्हा और तृप्ति सिन्हा अपने 6 महीने के पुत्र समृद्धि को लेकर पहुंचे। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी टीका लगा दिया गया, जिसकी जानकारी उन लोगों को बाद में मिली। वहीं इसके बाद परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और मामला काफी बढ़ गया, जिसके बाद तिलकामांझी और बराई थाने की पुलिस होली फैमिली हेल्थ सेंटर पहुंची। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने के बच्चे को चिकित्सक ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की एक्सपायरी वैक्सीन लगा दी है, जिससे बच्चे के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। साथ ही परिजनों ने प्रशासन से ऐसे डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की। वहीं डॉक्टर ने अपनी स्वीकार करते हुए कहा कि भूलवश उनसे यह गलती हुई है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने चश्मा नहीं पहना था, इसके कारण दवा की एक्सपायरी डेट नहीं देख सके। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि धरती के भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर से अगर इस तरह की गलती या भूल होने लगेगी तो फिर मरीजों का इलाज किसके भरोसे होगा। 6 मंथ का वैक्सीन था इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, बोल तो देखे नहीं। हाँ, यही बोले, और जब हम उनसे पूछने गए तो कह रहे हैं बच्चा मर तो नहीं ना गया। लैंग्वेज भी इनका सही नहीं है। इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन था देना और पोलियो ड्रॉप देना था। इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन यहाँ हम लोग से बेटा पूछा है कहाँ चले जाएँ, तो कहा होली फैमिली हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ तुम चले जाओ। और यहाँ जो यहाँ लोगों ने एक्सपायरी दवा दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बच्चा मर तो नहीं गया, जब कंप्लेंट किए। हाँ, कंप्लेंट किए कि मामले क्यों दिए, कोई भी इंजेक्शन देने के पहले उसको देखा जाता है वो एक्सपायर है या नहीं। क्या कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन देना नहीं चाहिए और कोई देगा भी नहीं आपको नॉर्मली, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। ह्यूमन ईरर नाम का कोई चीज़ होती है? होती है, दैट इज द कॉल्ड ह्यूमन ईरर। आज हमने सेम कंपनी का सेम वैक्सीन दिया, वो डब्बा ओब रखा हुआ है, 7 को दिया, 7 में से 6 को किसी को एक्सपायरी नहीं पड़ा, बाय मिस्टेक आपको कॉर्नर में कहीं पे रखा होगा, पड़ गया,
ये चीज़ डॉक्टर के मिस्टेक से किसी की जान भी जा सकती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक डॉक्टर के मिस्टेक से जान जाने की जहाँ तक बात होती कि एक डॉक्टर ही 1000 पेशेंट को बचाता भी तो है। जहाँ पे अच्छाई होगी तो वहाँ पे साइड इफेक्ट होगा ही। हमने आज तक 20,000 को अगर लगाया वैक्सीन तो एक या दो मात्र हमसे हुआ है गलती। ठीक है भाई, देखिए आप भी अगर ले रहे हैं डेली, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पत्रकार हैं, तो आप भी कोई क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछ देंगे बीच में जिसका कि कहिएगा बाय मिस्टेक हमने पूछ दिया। भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार अपने परिवार के साथ रविवार को छोटे जहाज से सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम पहुंचे, जहां एसएसपी ने सपरिवार अजगैवीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने परिवार के साथ बाबा अजगैवीनाथ के शिवलिंग पर उत्तरवाहिनी गंगा जल अर्पण कर श्रृंगार पूजा और रुद्राभिषेक किया। इसके अलावा पूरे मंदिर की भी परिक्रमा कर नमामि गंगे घाट एवं अजगैवीनाथ गंगा घाट का भ्रमण किया। वहीं इस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर लाल ठाकुर, सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रिय रंजन समेत कई पुरुष और महिला पुलिस बल मौजूद रहे। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में बीते 4 मई को हुए हिंसक झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं घटना के बाद से इलाके में लगातार पुलिस की सख्ती दिख रही है, जबकि इसको लेकर शनिवार को दुकानदारों ने विरोध जताते हुए अपनी दुकानों को भी बंद रखा। दुकानदारों का कहना है कि बीच बाजार से सब्जी मंडी हटा दी जाए, जबकि बाजार बंद रखने की सूचना पर एसडीओ उत्तम कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान दुकानदारों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिसके बाद दुकानदारों को समझा बुझाकर अधिकारियों ने दुकान खुलवाया। इधर नवगछिया एसपी भी भवानीपुर थाना पहुंचे और व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि व्यापारियों की कुछ मांगे हैं जिस पर विचार किया जाएगा। जबकि 4 मई को हुई झड़प मामले में 30 नामजद लोगों के अलावा 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। क्या सर है ना दुकानदारों को क्या कुछ जो परसों का घटना है उसमें पुलिस के तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया है। 30 से ज्यादा लोग उसमें नेम हैं और सैकड़ों की संख्या में अज्ञात को केस किया गया है, उसकी भी पहचान की जा रही है। आज का जो बंद का सूचना मिला था तो हम लोग बाजार का मुआयना किए हैं तो लगभग 50-60% बंद होने का वजह उस घटना से जोड़ के ये लोग देख रहे हैं। उस घटना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोकल व्यवसायी का किन्हीं का मांग है शौचालय बनवा दीजिए, किन्हीं का मामला है कि वो जो दुकान लगती है वो बिहार सरकार की जमीन है उसको खाली करवा दीजिए। तो ये तरह तरह की मांगे हैं जिस पर प्रशासन विचार कर रहे हैं, लेकिन उस मामला से इसको जोड़कर देखना अच्छा नहीं है। हालांकि इससे माहौल खराब होगा, लोगों के बीच में हम लोगों ने मैसेज दिया है कि नहीं आप खोलिए। जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से तीनों पालियों में 8 जगह पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है जो 24 घंटा एक्टिव है। हाँ, प्राथमिकी दर्ज की गई है, नामजद प्राथमिकी है। कितने लोग? और लगभग 30 लोगों पर है और पुलिस उसके लिए पकड़ धकड़ की भी कार्रवाई कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि आज या कल तक गिरफ्तारियां होंगी उसमें। उसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव भेजा गया है, सभी को निर्देश दिया जा रहा है। भागलपुर नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत TNV कॉलेज मुख्य गेट के सामने बीती देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे बोलेरो को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बोलेरो के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बोलेरो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ललमटिया और विश्वविद्यालय थाने की पुलिस टीम ने घायल चालक को इलाज के लिए मायगन अस्पताल भेज दिया। इधर ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो नाथनगर और ट्रैक्टर भागलपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी और अचानक दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पलटकर सड़क से कुछ दूर जा गिरा और बोलेरो के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पुलिस ने बोलेरो और ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। ललमटिया थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर और बोलेरो के वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा या विवादों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने बागेश्वर धाम सरकार के बिहार आगमन को लेकर बयान दिया है। इस बार अपने बयान में विधायक गोपाल मंडल ने धार्मिक कार्यक्रम को लेकर बिहार के पटना नौबतपुर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन का समर्थन किया है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर आगामी 13 मई को बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में राष्ट्र
राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जबकि सत्तारूढ़ दल राजद और जेडीयू के कई नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला भी जारी है। इसको लेकर जहां एक तरफ बिहार सरकार में मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप ने खुली चुनौती दी है, वहीं कई और मंत्री और महागठबंधन के नेताओं ने भी उस मुद्दे को तूल दे दिया है। अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सीधी चुनौती देते हुए बिहार किसी भी कीमत पर नहीं आने देने और उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटा देने की बात कही है। इसके लिए मंत्री तेज प्रताप ने एक सेना भी तैयार की है। वहीं तेज प्रताप यादव समेत सत्ताधारी दल के मंत्री और नेताओं द्वारा दिए गए इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कई केंद्रीय मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजद के नेताओं को सीधी चेतावनी भी दी है। हालांकि इसी बीच बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर विधायक सह जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और साधु संतों को हर जगह आने जाने और कार्यक्रम करने का अधिकार है। उन्होंने बागेश्वर बाबा के आगमन पर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि हर पार्टी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है जो कहीं से सही नहीं है। विधायक ने कहा कि बिहार में बाबा का स्वागत है और साधु संतों को धरती अपना हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम में आग लगाने वाली कोई बात ना करें जिससे कि जाति धर्म या संप्रदाय के बीच उन्माद पैदा हो। मेरा देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संत है, घूमना फिरना उसका काम है, सही बात है, ठीक है। कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, मतलब वो कहता है कैसे रोक लेगा, दोनों का कहना सत्य है। अब दमखम वाली बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं, लेकिन बतवा ये है घूमने पर, अब बाबा आके आग नहीं लगा दे यहाँ, कुछ ऐसा काम नहीं कर दे। और एक बात होता है, नेता लीडर भाषण देता है ना, शब्द के उच्चारण में अगर गलत हो जाता है, वोट टर्नअप हो जाता है, पलटी मार देता है, बुरा हाल हो जाता है, वोट नहीं देता है। ये बात इसलिए अगर बाबा वास्तविक में जनता के लिए आ रहे हैं, बिहार को कुछ नया संदेश देने के लिए आ रहे हैं, कुछ उलझन वाली बात नहीं बोले, ठीक है बाबा आवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया? आप प्रतिक्रिया तो हम बोलवे किए भाई, यहाँ जोर वाली बात है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं नहीं आप आने देंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं नहीं आने देंगे, तो यहीं पर तो विवाद शुरू हो गया, विवाद तो यहीं शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये जदयू क्या कहेगी? जदयू को क्या मतलब है? हम लोग तो जदयू के लोग हैं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418।
भागलपुर के नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में रविवार को लायंस क्लब गोल्ड भागलपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 रक्तवीरों ने रक्तदान कर सकारात्मक संदेश दिया। इस दौरान लायंस क्लब के विनोद अग्रवाल, गोपाल खेतरीवाल, अश्वनी खट्टोर और चिंटू अग्रवाल ने शिविर में अहम भूमिका निभाते हुए आम लोगों से रक्तदान करने की अपील की। शिविर में गोपाल खेतरीवाल के अलावा दीपक सेठ, खुशबू सरीन, विक्रम सरीन, ऋचा जैन और डॉक्टर अर्शद कमाल समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में कैंप के आयोजक द्वारा संग्रहित रक्त जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने की बात कही गई, जबकि हर तबके के लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य की बात कही गई। इधर भागलपुर ग्लोबल वर्ल्ड सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद बासित अंसारी ने कहा कि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए उन्होंने कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। मौके पर ब्लड सेंटर के अरुण झा, डॉक्टर अमित आनंद, मदन सिंह समेत लायंस क्लब और ब्लड सेंटर के कई लोग स्टाफ मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।